हाँ भाई, हमने कल बात की थी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जहां पे हमने टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को, टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरेस्टिब्यूल्स के अंदर पाए जाने वाले सेल्स जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए सर्टोली सेल्स, उसके बाहर लेडिक सेल्स, सबका अलग अलग काम, सबका अलग अलग फंक्शन डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो राइट नाउ वी शैल प्रोसीड अहेड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, पूरे सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है। आपके स्क्रीन पे जो डायग्राम देख पा रहे हैं आप, ये आपके एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, और पूरे कहानी को अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप इसके लेबलिंग और इसके स्ट्रक्चर को बहुत प्रॉपरली एनालाइज करके समझ लें। पहले जो आपको समझने का नीड है, मैं आपको दे रहा हूं थोड़ा सा टाइम, मतलब अ मिनट और टू, एक मिनट का टाइम आपके पास है, और इस एक मिनट में आप इस स्क्रीन को, इस पे आने वाले सारे लेबलिंग्स को बहुत प्रॉपरली देखिए, जस्ट गो थ्रू ऑल द लेबलिंग्स वेरी प्रॉपरली, और उसके बाद एक एक करके सारे स्ट्रक्चर को, सारे पार्ट और सारे स्ट्रक्चर को फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्ट गो थ्रू द लेबलिंग्स, आप यहाँ पे जितना भी लेबलिंग है सारा का सारा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट गो थ्रू इट फॉर अ मिनट, एक मिनट का टाइम लीजिए आप, 60 seconds, और आप एकदम इधर से शुरू कीजिए राइट साइड से, और सारे पार्ट को देखिए आप, जो नाम है उसको आप प्रोनाउंस कीजिए। आपसे बोला है कि आप किसी भी चीज को याद करने के लिए सबसे पहला नीड है कि आप उसको प्रोनाउंस कर पाए, अगर आप उसको प्रोनाउंस कर पाएंगे तो फिर आपको उसको याद करना इजी होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस्थमस, एक टर्म है इस्थमस, कौन सा टर्म क्या है और क्यों है वो हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े टाइम के बाद, बट राइट नाउ जस्ट गो थ्रू द नेम एम्प्यूला, दिस इज कॉल्ड इनफंडिबुलम, ये तीनों पार्ट है फैलोपियन ट्यूब के। Then we have a term called fimbriae, ovary obviously the female gonad है। उसके बाद you have this three terms over here, endometrium, myometrium, perimetrium। Then you have this hollow space, this is called the uterine cavity or uterus भी बोलते हैं इसको। Then you have the cervix, this muscular region। ये हॉलो स्पेस, दिस इज कॉल्ड सर्वाइकल कनाल, दिस हॉलो स्पेस इज कॉल्ड सर्वाइकल कनाल, एंड द ओपनिंग इज टर्म्ड एज द वजाइना। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्रॉपरली इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ ईच पार्ट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दीज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहली बात जो आप एक बार समझ लीजिए वो ये है कि ये रीजन है फीमेल लोअर एब्डोमेन में, फीमेल के एब्डोमेन में लोअर एब्डोमिनल रीजन का ये इंटरनल पार्ट है। एब्डोमेन आप जानते हैं, एब्डोमेन की शुरुआत होती है आपके रिब्स के खत्म होने के पॉइंट से, जहां पे आपका रिब्स ओवर होता है, जहां पे चेस्ट रीजन एंड होता है, उसके नीचे से एब्डोमेन शुरू होता है। एब्डोमेन में ही हमारा लिवर है, एब्डोमेन में ही इंटेस्टाइन है, एब्डोमेन में ही पैंक्रिया है, किडनी है, ये सारी चीजें एब्डोमेन में ही होती हैं। तो लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर में कुछ प्राइमरी बातें हैं जो हमें एक बार अच्छे से समझना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये वो हॉलो स्पेस है जिसको आप वूब बोलते हैं, जिसको आप यूट्रस बोलते हैं आम भाषा में, ये रीजन जहां पे, ये अभी मैं इसको ऐसे करके रफली इसको ये कर रहा हूँ, ये जो हॉलो स्पेस है दिस इज कॉल्ड वूब या दिस इज कॉल्ड द यूटरस, जहां पे बच्चे की डेवलपमेंट होती है पूरे 9 months तक, जब तक बच्चा अपने मदर के वूब में एम्ब्रियोनिकली डेवलप हो रहा है। तो ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का प्रोसेस है, इसका लोकेशन ये है जहां पे ये हॉलो स्पेस दिख रहा है आपको, व्हाइट वाला रीजन दिख रहा है, ये वाला रीजन, तो दिस इज कॉल्ड यूट्रस या यूट्राइन कैविटी। ठीक है, यूट्रस के दोनों साइड से, राइट और लेफ्ट साइड से एक ट्यूब कनेक्टेड है, जो लंबा सा ट्यूब है और उसका एंड ऐसे
लाइक फिंगर की तरह लंबे लंबे उंगलियों की तरह ऐसे करके ओपन अप हो रहा है, मतलब ये जोन, ये वाला पूरा जोन, ये जो आपको मैंने अभी इनसर्कल किया, ये वाला पूरा का पूरा जोन जो है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। जो इनसर्कल पार्ट देख पा रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे, दिस इज कॉल्ड द फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी बोलते हैं इसको। तो इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यहाँ पे लेबलिंग दिख रही है आपको फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर चार पार्ट्स हैं। There are four parts of the structure called fallopian tube. तो fallopian tube right side भी है, left side भी है, दोनों side दिख रहा है आपको fallopian tube, और fallopian tube को divide किया गया है चार different parts में। You can identify them कि सबसे पहले fimbriae है, ये जो finger like structure है, this is called fimbriae। उसके ऊपर है infundibulum, थोड़ा broad part है ये। उसके ऊपर है ampulla, ये narrow structure और जहां से curve हो रहा है, 90 degree curve है वहां पे। और उसके बाद का जो लॉन्ग एलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड इस्थमस। तो चार पार्ट्स हैं फैलोपियन ट्यूब के। फैलोपियन ट्यूब जो है इसके चार पार्ट्स हैं, और नाम आपके सामने स्क्रीन पे है, इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम एंड फिम्ब्रे। दीज आर द फोर पार्ट्स, दिस इस्थमस, दिस एम्प्यूला, दिस इनफंडिबुलम एंड दिस इज द फिम्ब्रे। These are the four parts of the fallopian tube. Fallopian tube right and left दोनों side present है। Fallopian tube का एक end, मतलब ये जो एक छोर है इसका, fimbria वाला end, ये है ovary के पास। Ovary से ये connected है, ovary के पास ये situated होता है एक end इसका, और दूसरा end जो है ये आके uterus में खुलता है। अब देखिए अपने diagram को गौर से, ये जो isthmus है, ये isthmus जाकर के uterus से connected है, ठीक है ना? तो एक एंड फिम्ब्रे ये ओवरी के पास है, उसके बाद इनफंडिबुलम है, एम्प्यूला है, इस्थमस है। इस्थमस लंबा एरिया है, लंबा स्ट्रक्चर है, और ये इस्थमस जाकर के यूटरस में कनेक्ट होता है। ये राइट और लेफ्ट दोनों साइड के लिए एप्लीकेबल बात है। राइट साइड या लेफ्ट साइड दोनों साइड आप देख पाएंगे कि यू कैन सी द सिमिलर सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब ये राइट साइड का भी फैलोपियन ट्यूब वैसा ही है, लेफ्ट साइड का भी वैसा ही है, सेम नाम सेम लेबलिंग दोनों साइड होगा ऑब्वियसली। ये जो यूट्रस है बीचों बीच सेंटर में, हॉलो खोखला रीजन, हमने दो दिन पहले बात की थी जब हमने ये डिस्कस किया था, जब हमने ये डिस्कस किया था कि पुबर्टी अटेनमेंट के बाद फीमेल्स में जो पेल्विक गर्डल है, पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन मतलब द बोन दैट इज बिलो द वेस्ट, कमर के नीचे की हड्डी को पेल्विक बोन बोलते हैं। दिस पेल्विक बोन, दिस पेल्विक बोन undergoes a expansion after the attainment of puberty. मतलब इस बोन में थोड़ा एक्सपेंशन होता है और कमर के नीचे का डी के बाद, जिसकी वजह यह होती है कि जो यूटरस रीजन है, उसकी वजह यह होती है कि जो यूटरस जोन है फीमेल्स में, ये जो यूटरस हॉलो स्पेस है, ये थोड़ा एक्सपैंड होकर के ये ज्यादा बड़ा हो जाए, इसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा बन जाए, ताकि बच्चे का डेवलपमेंट होने के लिए स्पेस या जगह बन पाए, ठीक है ना? सो द मेन पर्पस, द मेन रीजन इज दिस कि यूटरस के एक्सपेंशन से यहां पे बच्चे के डेवलपमेंट का स्पेस डेवलप हो जाता है। यूटरस को अगर हम देखें तो यूटरस में तीन वॉल्स, यूटरस में तीन लेयर्स हैं वॉल्स के। बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप अपना अटेंशन पूरी तरह से फोकस्ड रखिएगा। मैंने बोला कि यूटरस जो है, यूटरस के वॉल्स को अगर हम एनालाइज करेंगे तो उसमें थ्री लेयर्स हैं। अंदर से बाहर की तरफ हम जाते हैं तो वी हैव द नेम ऑफ द लेयर्स आर एंडोमेट्रियम, द इनर मोस्ट लेयर, देन यू हैव मायोमेट्रियम एंड द आउटर मोस्ट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। हियर यू कैन सी द लेबलिंग, दिस इज एंडोमेट्रियम, दिस जोन इज एंडोमेट्रियम। ये वाला जोन जो है ना, ये वाला जो ऐसे ऐसे आपको रेडिश कलर का दिख रहा है ना, ये जोन है एंडोमेट्रियम का जोन। जो इंटरनल एग्जैक्टली मतलब ये एकदम जो यूट्रस है उससे एक्सपोज्ड होता है, उसके अंदर का जो जोन है ये मिडल जोन, दिस इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। ये वाला जहां कर्सर अगर आपको दिख रहा है तो यू कैन सी दैट, ये जो मायोमेट्रियम का जोन है, दिस इज कॉल्ड मतलब ये मस्कुलर जोन है, सो दिस इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। उसके बाद देन यू हैव पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट वॉल है।
सबसे बाहर का जो वॉल है यूट्रस का, दैट्स कॉल्ड पेरीमेट्रियम. तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, ये सीक्वेंशियली है अंदर से बाहर की तरफ. सबसे अंदर इज द एंडोमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम एंड सबसे बाहर द लेयर इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम. जस्ट लाइक प्रॉपरली अंडरस्टैंड दिस, ये जो तीन नाम है ना, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये मैंने बोला कि ये बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन लेयर्स का पोजिशन और लोकेशन आपके लिए समझना. दिस मायोमेट्रियम इज सेंट्रिक एंड दिस पेरीमेट्रियम इज द आउटर मोस्ट. अंदर कौन सा है? एंडोमेट्रियम, ठीक है ना. उसके बाद ये जो हॉलो स्पेस दिख रहा है आपको, जो यूट्रस से कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड सर्वाइकल कनाल. यू कैन सी द लेबलिंग ओवर हियर, दिस इज कॉल्ड सर्वाइकल कनाल. और सर्वाइकल कनाल के राइट एंड लेफ्ट साइड जो मसल है ना, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स. दिस इज सर्विक्स जो सर्वाइकल कनाल बनाता है. राइट और लेफ्ट साइड के जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये सर्विक्स की वजह से, ये हॉलो स्पेस है, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है जिसको सर्वाइकल कनाल बोला जाता है. प्लीज केयरफुली अंडरस्टैंड एंड लिसन टू ईच ऑफ माई वर्ड्स, क्योंकि सारी बातें बहुत एसेंशियली इंपॉर्टेंट हैं. सर्वाइकल कनाल में सर्टेन एक्सटेंट तक पेनिस इंसर्ट हो पाता है ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ कॉप्यूलेशन. जब कॉप्यूलेशन होगा तो पेनिस का जो इंसर्शन है वो एक सर्टेन लिमिट तक होता है. सर्वाइकल कनाल के ऑलमोस्ट 50% रीजन तक पेनिस का इंसर्शन होता है और वहीं पे सारा सीमेन ड्रेन आउट हो जाता है. जो सीमेन है वो ड्रेन आउट हो जाएगा और द सीमेन विल एक्चुअली फ्रॉम हियर, इस सीमेन में जो स्पर्म है दैट विल स्टार्ट ट्रैवलिंग और ये स्पर्म ट्रैवल करते करते ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यूट्रस से ट्रैवल करता करता और आगे बढ़ेगा और फैलोपियन ट्यूब तक जाएगा. स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा ओवम की तलाश में. ओवम फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होगा. ओवम ये यूट्रस तक नहीं आता है. ये कहानी हम लोगों ने डिस्कस की हुई है प्रीवियस कुछ दिनों में. हमने बात की है कि ओवरी इज द गोनैड इन ह्यूमन फीमेल, ठीक है ना. फिर हमने ये बात डिस्कस किया कि जो गोनैड होता है दैट प्रोड्यूसेस गैमेट्स. तो ह्यूमन फीमेल गैमेट होता है ओवम. तो मतलब ओवम इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी. ये जो आपको रेड कलर के ओवल या एलिप्टिकल शेप स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड, दीज आर ओवरी. और ओवरी के अंदर बनता है ओवम और ये ओवम बनने के बाद रिलीज आउट होकर के बाहर आता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब. तो फैलोपियन ट्यूब में ओवम आएगा तो स्पर्म हैज टू रीच द फैलोपियन ट्यूब सो दैट इट कैन फर्टिलाइज द ओवम. फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. तो ओवम आकर के यहाँ पे समवेयर इधर यहाँ पे प्लेस होता है जहां पे ये मैंने डॉट सा बनाया. अगर इधर इस ओवरी से आया तो यहाँ पे आएगा, इधर इस ओवरी से आएगा तो समवेयर यहाँ पे आएगा. दिस इज द पोजिशन ऑफ ओवम, ठीक है. तो स्पर्म जब कॉप्यूलेशन होगा, तो स्पर्म आकर के इस रीजन में इजैकुलेट होगा. दिस इज द जोन जहां पे बहुत सारे स्पर्म्स, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आकर के सीमेन में इजैकुलेट होंगे और फिर यहां से इतने सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म में से सारे स्पर्म अपना ओवम की तरफ जाने का रास्ता तलाशेंगे, ठीक है. जो सबसे क्विक और सबसे फास्ट स्पर्म होगा वो जो सबसे पहले पहुंच जाएगा ओवम तक, वो उस ओवम को वहां जाके फर्टिलाइज करेगा. ये डिस्कशन आगे जाकर के डिटेल में आएगा. ये सारी बातें प्राइमरी तौर पे आप जानते हैं. एनीवे, तो बेसिकली इट्स लाइक दिस के हमारे डिस्कशन में जिस बात पे हमें आज फोकस करना है वो ये है कि हाउ एग्जैक्टली द मतलब व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक और मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये दो बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में. और मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन होता है यहाँ से. वी हैव टू बी टेकिंग केयर ऑफ दैट वेरी सीरियसली. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग पहले इन स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपके सामने डायग्रामेटिकली दिख रहा है आपको, जिसमें अगर आप स्ट्रक्चर में अलग अलग पार्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो वी हैव सबसे पहले मेन ऑर्गन विच इज कॉल्ड ओवरी. ऑब्वियसली ओवरी इज द प्राइमरी बेसिक ऑर्गन, क्योंकि दिस इज अ गोनैड. ओवरी नहीं रहेगा तो फिर गैमेट ही नहीं बनेगा और गैमेट ही नहीं बनेगा तो फिर रिप्रोडक्शन होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है. तो दिस इज द ओवरी, द एलिप्टिकल शेप स्ट्रक्चर ओवरी.
इस ओवरी के अंदर बहुत सारे ओवम बनते जाते हैं एवरी मंथ, और ये ओवम बनने के बाद रिलीज आउट होके बाहर आते हैं। बाहर आते हैं कहाँ, बाहर आते हैं ये फिम्ब्रे के थ्रू, ये इस रीजन तक पहुंच जाते हैं जहां पे डॉट दिख रहा है आपको अपने स्क्रीन पे, मतलब ये फैलोपियन ट्यूब में आएगा एम्प्यूला और इस्थमस के बीच में, ठीक है, एम्प्यूला और इस्थमस के बीच में समवेयर ओवम आकर के प्रेजेंट होगा। स्पर्म को यहां तक पहुंचना पड़ेगा अगर वो ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो। फॉर द ओवम टू बी फर्टिलाइज द स्पर्म मस्ट रीच दिस डेस्टिनेशन जहां पे ओवम प्रेजेंट है। फाइन, तो नटशेल में जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बस इतना ही है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें पता होना चाहिए ओवरी के बारे में, हमें पता होना चाहिए फैलोपियन ट्यूब के बारे में, हमें पता होना चाहिए यूटरस के बारे में, और उसके बाद जो डक्ट सिस्टम है, डक्ट सिस्टम है वजाइना, सर्वाइकल कनाल एंड सर्विक्स, दैट्स ऑल। आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए हर एक स्लाइड का, ताकि आप डायग्राम्स और उसके थियोरीज को थोड़ा सा रिवाइज कर सकें बाद में। अब हम लोग अगले स्लाइड पे जा रहे हैं और ये थियोरी जो है वो आगे जाके डिस्कस होगी। 5-7 मिनट हम लोग अभी थियोरी पे बात करेंगे, देन वी विल बी गेटिंग इन टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल विच इज द प्राइमरी थीम फॉर डिस्कशन टूडे। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर उसको हम स्ट्रक्चरली डिवाइड करें तो वी हैव द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको ओवरी बोला जाएगा, जहां से ओवम रिलीज होगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में तीनों पार्ट्स आएंगे, डक्ट है, डक्ट मतलब जो ट्यूब है, नैरो ट्यूब को डक्ट बोलते हैं जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। तो ओवी डक्ट एक फैलोपियन ट्यूब है, यूटरस है, सर्विक्स है, वजाइना है, ये सारे स्ट्रक्चर्स डक्ट में आ जाएंगे। ग्लैंड में मैमरी ग्लैंड आता है, मैमरी ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। इस पर डिस्कशन आगे होगी जब प्रेगनेंसी डिस्कस करेंगे हम, तो हम लोग ये सारी बातें करेंगे। एक्सटर्नल जेनिटीलिया में वुल्वा होता है, वुल्वा इंक्लूड्स ऑल दीज पार्ट, सर्वाइकल कनाल, सर्विक्स, ये सब वुल्वा का पार्ट है। एनीवे, सो इंडिविजुअली एक एक करके इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओवरीज, सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज ओवरीज। पेयर ऑफ ओवरीज पाए जाएंगे फीमेल्स में, ठीक है ना, और ये ओवल शेप होगा जिसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 फॉलिकल्स पाए जाते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस एंड केयरफुली अंडरस्टैंड दिस। जैसे इस डायग्राम को एक बार देखो आप ध्यान से, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको समझा रहा हूँ, रफली आप इसको ध्यान से देखना। जैसे ये एक ओवरी है और इस ओवरी के अंदर ना छोटे छोटे स्फेरिकल शेप मोर देन थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ये जो स्फेरिकल गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ग्रीन ग्रीन कलर का जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड फॉलिकल्स। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स आर फाउंड इन ईच ओवरी, और बहुत सारे ऐसे फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं हर ओवरी में। क्या बोलते हैं इनको, फॉलिकल, FOLLICLE, फॉलिकल। तो दोनों साइड के ओवरीज में इस तरह से बहुत सारे फॉलिकल्स की प्रेजेंस है, ठीक है, ये बात दिमाग में रखो। अब थ्योरी पे आते हैं, पढ़े आप प्लीज यहां पे सारे पॉइंट्स को एक एक करके। सेकेंड पॉइंट है, ईच ओवरीज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ देम आर फाउंड इन ईच ओवरीज। एट पुबर्टी, मतलब फीमेल में जब 10 से 12 साल की उम्र होगी तो पुबर्टी अटेनमेंट हो जाएगा, तो एट पुबर्टी जो फॉलिकल्स हैं दे मैच्योर, तो एट पुबर्टी दीज अंडरगो मैच्यूरेशन, और इन्हीं फॉलिकल से बनेगा ओवा। ओवा क्या है, ओवा इज द फीमेल गैमेट, ओवा इज द फीमेल गैमेट। एक सिंगल को बोला जाएगा ओवम, प्लूरल को बोला जाएगा ओवा। बहुत सारे ओवम के बारे में जब बात होगी तो दैट विल बी कॉल्ड ओवा, वी वोंट बी यूजिंग ओवम्स। इट्स नॉट के ओवम का प्लूरल इज ओवम्स, जैसे स्पर्म का स्पर्म्स हो सकता है, वैसे ही ओवम का प्लूरल ओवा नहीं होगा, ठीक, सॉरी ओवम्स नहीं होगा, ओवा होगा। सो एट पुबर्टी दीज अंडरगो मैच्योरेशन टू प्रोड्यूस ओवा। द फॉर्मेशन ऑफ ओवम, एक की बात कर रहे हैं तो ओवम बोलेंगे, सो फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन ओवरीज इज कॉल्ड ओजेनेसिस। Oogenesis, OOGENESIS. Oogenesis का मतलब है genesis, synthesis,
का मतलब होता है बनना, फॉर्मेशन, क्रिएशन, डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो बहुत सारे ओवम की फॉर्मेशन जो होगी ओवरी के अंदर, दैट इज कॉल्ड ओजेनेसिस, ठीक है। ये जो ओवम बन जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, तो बनने के बाद रिलीज होके बाहर आएगा। ओवरी के अंदर जो ओवम की फॉर्मेशन होगी, तो ओवम बनने के बाद बाहर आएगा इनटू द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में चार पार्ट्स है ना, फिम्ब्रे है, फिर इनफंडिबुलम है, इस्थमस है, एम्प्यूला है, एम्प्यूला है, फिर इस्थमस है। सीक्वेंशियल याद रखें आप, फिम्ब्रे, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। तो ओवम बना है ओवरीज के अंदर, बट रिलीज आउट होके उसको आना है बाहर, और ये बाहर आएगा इनटू द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में आएगा तभी तो स्पर्म उसके साथ मिलकर के उसको फर्टिलाइज कर पाएगा। तो ओवम बनने के बाद इट विल गेट रिलीज एंड इट विल रिलीज आउट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो रिलीज ऑफ दिस ओवम इज कॉल्ड ओवुलेशन। दिस टर्म इज कॉल्ड ओवुलेशन, मतलब हुआ द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरीज इनटू द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड ओवुलेशन। दो बातें आई यहां पे, एक है ओजेनेसिस, दूसरा है ओवुलेशन। व्हाट इज ओजेनेसिस? ओजेनेसिस इज सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम का ओवरीज के अंदर बनना, प्रिपेयर होना, फॉर्म होना, दैट्स कॉल्ड ओजेनेसिस। और बनने के बाद रिलीज आउट होके बाहर आना, दैट्स कॉल्ड ओवुलेशन। ठीक है, कौन सा हार्मोन कौन सा काम करवाने में, कैसे और कितना हेल्प करता है, ये सारी बातें अभी आगे आएंगी। So ovary releases the hormone which is called estrogen and progesterone. ये दो hormones हैं which is released by the ovary, estrogen and progesterone. आप याद रखिएगा, इसका discussion अभी आगे आने वाला है थोड़ी देर के बाद। The hormones released by the ovaries are estrogen and progesterone. Progesterone को pregnancy hormone भी बोला जाता है, और estrogen is a hormone which is concerned with the secondary sexual features in females. फीमेल, देखो मेल में तो एक ही हार्मोन था, सेक्स हार्मोन मेल में सिंगल था, इसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन इज द ओनली सेक्स हार्मोन फाउंड इन मेल व्हिच इज रिलीज बाय द टेस्टिस। बट फीमेल्स में दो सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, ईस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरॉन भी। ईस्ट्रोजन का काम यह है कि ईस्ट्रोजन इज कंसर्न विद द सेकेंडरी सेक्शुअल फीचर्स इन फीमेल्स, मतलब के मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना, वॉइस का हाई पिच हो जाना, कंटूर डेवलपमेंट बॉडी में होना, हमने डिस्कस किया है ये सारी बातें। तो ये जितने भी चेंजेस आएंगे फीमेल में ना, ये सारे चेंजेस के पीछे ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। और प्रोजेस्टेरॉन का जो प्राइमरी काम है, प्रोजेस्टेरॉन इज कंसर्न विद द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी करवाने में प्रोजेस्टेरॉन का बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल होता है। क्या, ये हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े टाइम के बाद, कैसे और कितना, दैट वी विल बी डिस्कसिंग। अभी हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल जब डिस्कस करना शुरू करेंगे तो। So, ovaries का जो लोकेशन है ना, ovaries ये abdomen के अंदर पाए जाते हैं। जैसे testis होता है बाहर scrotum में, तो ovaries females में body के बाहर नहीं होते, ये body के अंदर ही होते हैं, और यहां से hormones release होते हैं। स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन लाइक कुछ बात है नहीं, आप इसको थोड़ा थोड़ा करके रीड करेंगे और मैं अलग से इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम लोग एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करने के लिए इन स्ट्रक्चर्स को सिर्फ देख रहे हैं। वी विल बी गेटिंग बैक and discussing all these parts once we are done with the discussion. ये आप देखें, ये आपको half side का या एक side का ovary और उससे attached fallopian tube दिख रहा है यहाँ पे। इसमें uterus भी दिख रहा है, cervical canal भी दिख रहा है वैसे। तो ये जो ovary है, ये जब अपना development complete कर लेता है, तो fimbriae development मतलब इसके अंदर बनता क्या है? इसके अंदर बनना किस चीज को है? इसके अंदर बनना है ovum को ना। तो ovum जब बन जाएगा इस ovary के अंदर, फिम्ब्रे आके इससे अटैच हो जाएगा टेम्परली, और वहां से खींच लेगा ओवम, और ओवम खींच करके लेके चला आएगा इनटू द फैलोपियन ट्यूब, मतलब ऊपर वाले पार्ट में, ताकि स्पर्म आकर के इस ओवम को फर्टिलाइज कर सके। ये आपको एक ओरिजिनल फोटोग्राफ दिखाया गया है, दिस इज अ यूटरस, और राइट एंड लेफ्ट साइड के ओवरीज हैं। ये फीमेल बॉडी के विद इन एक सर्जिकल फोटोग्राफ होगा, जिसमें आप यूटरस देख सकते हैं, आप लेफ्ट साइड का ओवरी, राइट साइड का ओवरी देख सकते हैं। आप ये इमेजिन करें कि ये फोटोग्राफ ऐसा है कि ऐसे आप इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए कि जो फीमेल है शी इज फेसिंग टुवर्ड्स द रूफ। ये ऑपरेशन थिएटर पे लेटी हुई फीमेल ऑब्वियसली, तो चेहरा सर है छत की तरफ, फाइन। लेग्स जो है वो सामने की तरफ है, मतलब
लेग्स जो होंगे ये आपका जो स्क्रीन दिख रहा है ना आपकी स्क्रीन के ऑपोजिट है, आपकी तरफ नहीं है, आपके फेस की तरफ हेड है, फीमेल का हेड आपके फेस की तरफ है, लेग आपसे ऑपोजिट है। तो इस पोस्चर में फीमेल इज लाइंग डाउन एंड दिस इज द ओरिजिनल फोटोग्राफ विच हैज बीन टेकन ड्यूरिंग अ सर्जरी। किसी सिस्ट सर्जरी के लिए ये ओपन अप किया गया होगा एब्डोमेन और उस टाइम पर ही फोटोग्राफ लिया गया है। इसे एक रफ आइडिया लगेगा आपको कि इंटरनली ओवरीज और यूट्रस के बीच में कैसे फिम्ब्रे का कनेक्शन है। ये अभी डायग्राम्स आगे और आएंगे बहुत सारे, डोंट वरी, वी विल बी हैविंग सम गुड डायग्राम जो पूरे स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से आपको बाद में समझाएगा।